गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास, कैसे हैं आप लोग बेटा? देखिए, हम चैप्टर टू के अंदर वीडियो नंबर 14 आज करेंगे स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी कि वृद्धि और रिपेयर यानी मरम्मत के लिए प्रोटीन्स क्यों चाहिए। देखिए, द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन इन ह्यूमन डाइट आर मिल्क, मीट, फिश, एग्स एंड नट्स। यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर या ह्यूमन के खाने के अंदर, इंसान के खाने के अंदर प्रोटीन ज़्यादातर किन चीज़ों में होता है? दूध, मीट, मछली, अंडे और नट्स। नट्स यानी कि जो आप खाते हैं सूखे मेवे। फर्दर पल्सेस लाइक पीस, ग्राम्स एंड बीन्स आर ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटीन। और इसके अलावा दालें जो होती हैं, ठीक है, जो दालें होती हैं ना, पीस, ग्राम्स या बीन्स जो होती हैं, वो भी आपको प्रोटीन प्रोवाइड करती है। प्रोटीन हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड टू रिपेयर द डैमेज्ड एंड वर्न आउट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि जो प्रोटीन है वो शरीर की मदद करता है बढ़ने में और हेल्प करता है डैमेज्ड पार्ट्स जो हो जाते हैं हमारे बॉडी के उनको रिपेयर करने में। वर्न आउट जो पार्ट होते हैं हमारे, उन बॉडी के जो काम नहीं करते हैं उनको रिपेयर करने में प्रोटीन मदद करती है, ठीक है। दे ऑल्सो फॉर्म मसल्स, हेयर्स एंड नेल्स। और प्रोटीन से ही क्या बने होते हैं? मसल्स प्रोटीन के बनते हैं, आपके जो बाल होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, और जो नेल्स यानी नाखून होते हैं वो भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। दे फॉर्म आर ब्लड एंड अलाउ आर ब्रेन टू फंक्शन प्रॉपरली। प्रोटीन से ही हमारा खून बनता है और प्रोटीन ही अलाउ करते हैं हमारे दिमाग को अच्छे तरीके से चलने के लिए। यानी कि प्रोटीन हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद देखिए, प्रोटीन्स आर देयरफॉर रिक्वायर्ड इन ग्रेटर अमाउंट्स व्हेन चिल्ड्रन आर ग्रोइंग। और जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए होता है? प्रोटीन। बढ़ते हुए बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसके बाद हु डू नॉट गेट एनफ प्रोटीन सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीजेस। और जिन बच्चों को प्रॉपर मात्रा में पूरे पर्याप्त तरीके का प्रोटीन का खाना नहीं मिलता है, उन्हें बहुत सारी कमी वाली बीमारियों से लड़ना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। प्रोटीन्स कैन बी क्लासीफाइड इंटू टू ग्रुप्स। प्रोटीन को हम दो भागों में बांट सकते हैं सोर्सेज के रूप में, कि कहाँ से प्रोटीन मिलती है। तो एनिमल प्रोटीन एंड वेजिटेबल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन क्या होते हैं बेटा? जो हमें एनिमल से मिलती हैं प्रोटीन, जैसे मिल्क, चीज़, एग, फिश, मीट, ये तो होती हैं एनिमल प्रोटीन। इसके अलावा जो वेजिटेबल प्रोटीन होती है उसके अंदर देखिए दालें आ जाएंगी, सोयाबीन आ जाएंगे, आपके जो सूखे मेवे नट्स होते हैं वो आ जाएंगे, ग्रेन्स यानी अनाज, चावल, है ना, इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए बेटा, जो इसमें दूसरा टॉपिक है वो है विटामिन्स फॉर हेल्थ, ठीक है। विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ। जो विटामिन्स होते हैं वो ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दे कीप आर द बॉडी हेल्दी फिट टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। और इन्हीं के द्वारा बॉडी हेल्दी रहती है, जो प्रत्येक प्रकार की बीमारी से लड़ने में सहायक हो। विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज। विटामिन्स जो होते हैं बेटा, हमें बहुत भर भर के नहीं चाहिए, बहुत कम क्वान्टिटी में हमें विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। द ह्यूमन बॉडी नीड्स विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। अब जो विटामिन्स होते हैं ना, कई तरीके के होते हैं, और ह्यूमन बॉडी को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के चाहिए होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी विटामिन्स एंड हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स। और पानी में घुलते हैं या नहीं घुलते हैं, है ना, इस बेस के ऊपर विटामिन्स को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो घुलनशील, वाटर सॉल्युबल। और वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? देखो, विटामिन सी, ये इम्पॉर्टेंट है, विटामिन सी और बी, ये दोनों तो पानी में घुल जाते हैं। और जो पानी में नहीं घुलते हैं, फैट में घुलते हैं, वो कौन से हैं? ए, डी, ई और के, ठीक है। तो ये विटामिन्स फैट के अंदर घुल जाते हैं। मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स एंड एग्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन्स, ठीक है। दूध,
जो फल हैं, सब्जी हैं, मीट है, अंडे हैं, ये सब विटामिन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, इन्हें खाने से विटामिन मिलता है। हैंस वी मस्ट ईट अ लॉट ऑफ दीज इन आर डाइट। तो हमें अपनी डाइट के अंदर इन सभी को शामिल करना चाहिए। लैक ऑफ विटामिन इन आर बॉडी या इन आर डाइट कॉज सेवरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। और इसमें भी अगर कमी हो जाती है विटामिन्स में तो भी क्या होता है, बहुत ही बीमारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी से रिलेटेड विटामिन्स की एक टेबल है। विटामिन्स क्या है, कॉमन विटामिन्स देयर फंक्शंस एंड फूड आइटम्स विच दे कैन बी ऑब्टेन, यानी कि विटामिन वो क्या काम करते हैं और कौन से खाने से मिलते हैं, इसकी टेबल है जो आपको ये बेटा CW के अंदर ये टेबल भी आपको बनानी है। देखिए विटामिन ए के काम होते हैं कीप आइज एंड स्किन हेल्दी, ये हमारी आँखों और त्वचा के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन ए, आँखें और त्वचा इससे हेल्दी रहती है। और फाइट इन्फेक्शन, और कोई अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे लड़ने के लिए भी विटामिन ए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किन में मिलता है, कैरेट यानी गाजर, स्पिनच यानी पालक, पम्पकिन, कद्दू, राइप मैंगो, आम में, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी, टमाटर में, पपाया में, ठीक है, हमारे लिवर के अंदर, एग्स, फिश, बटर, इन सब के अंदर, सॉरी ये दूसरा वाला लिवर है, तो इन सब में क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। इसके बाद देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये क्या काम करता है, कीप मसल्स, ब्रेन एंड नर्व्स हेल्दी, ये हमारी मसल्स को, हमारे दिमाग को, हमारी नसों को हेल्दी रखता है, और मेकिंग रेड ब्लड सेल्स, और ये हेल्प करता है हमारे RBC यानी रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है, यानी खून बनाने में हमारी हेल्प करता है। किस किस से मिलता है, होल ग्रेन्स यानी कि बहुत तरीके के अनाज से, किडनी बीन्स यानी राजमा से मिलता है, नट्स जो है आपके मेवों से, पालक से, बीन से, मटर से, सोयाबीन से, मीट, ठीक है, एग, लिवर, इन सब से विटामिन बी मिलता है। इसके बाद विटामिन सी देखिए, विटामिन सी कीप्स जम्स एंड स्किन हेल्दी, गम्स एंड स्किन हेल्दी, ये हमारी स्किन को हेल्दी रखता है। हील कट्स, ये हील कट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, मतलब विटामिन सी जो होता है खट्टी चीज़ों के अंदर होता है, और विटामिन सी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। फ्रेश लेमन, ऑरेंज, स्वीट लाइम, मैंने बोला आपको थोड़ी खट्टी चीज़ों से ये मिलता है। विटामिन डी क्या करता है, मेक्स बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, आपकी हड्डियों और आपके दांतों को मजबूती देता है विटामिन डी, और ये मिलता है मिल्क में, फिश में, लिवर ऑयल में, है ना, इस तरीके से ये मिलता है। इसके बाद बेटा एक रह गया है विटामिन ई एंड विटामिन के, ये जो है इनके जो सोर्स होते हैं विटामिन ई और के, ये देखिए सूरज से, मतलब सूरज की रोशनी से हमें विटामिन ई और के जो है ना मिल जाते हैं, तो इनके लिए टेबल में यहाँ पर इसलिए फूड सोर्सेस नहीं लिखे हैं, क्लियर। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर। अभी तक के लिए आप इतना ही कीजिए, इस टेबल को आप CW में लिखिए और लर्न कीजिए। थैंक यू।